हेलो ऑल, वेलकम टू टिटी गाइड। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.3 से क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9, 10। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर मतलब वो स्मॉल भी होना चाहिए, स्क्वायर भी होना चाहिए। तो अगर स्क्वायर नंबर नहीं होता तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करते, एलसीएम लेते, करेक्ट। तो अभी स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर के लिए भी सेम एलसीएम ही निकालना होगा हमको। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। क्या हमको करना है, एलसीएम निकालना है। फर्स्ट स्टेप एलसीएम निकालेंगे 4, 9, 10। तो एलसीएम निकालने के लिए कौन से नंबर को जाएंगे, स्मॉलेस्ट हमारा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। 2, 2 जा 9 तो नहीं जाएगा, 2, 5 जा। अगेन 2 पे जाएंगे, 2, 1, 9 नहीं जाएगा, 5। नेक्स्ट 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 आता है। 3, 3 जा ये 5। अगेन 3, 1, 1, 5। फाइनली 5 जाएगा, मतलब आपको लास्ट तक ना 1 तक लाना है, करेक्ट। पहले भी आप इसी तरह एलसीएम निकाल चुके हैं, करेक्ट। मैं एलसीएम की तरफ नहीं जाती, पहले चेक करेंगे, एलसीएम लिख देंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ओके, पर एलसीएम और काउंट कर लेंगे, कितना है हमारा एलसीएम, टोटल हमारा 180। ये टोटल हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 180 होता है। अगर हम स्क्वायर रूट निकालते एलसीएम के थ्रू, तो ये सब कपल ऑफ नंबर हमको लेना है। तो ये 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 5 यहाँ पर एक सिंगल डिजिट बच गया, ठीक है। तो 180 के साथ हमको क्या करना है, 5 ही मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हम जो नंबर हमको आएगा वो एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, उसके मतलब इसके बाद हमको क्या करना है, 180 × 5 जो कि 900 आ जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है जो कि एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है, इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ नंबर्स 4, 9 एंड 10। ओके, 180 के साथ ये सारे नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है। पर ये जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, बट उतना ही डिफरेंस है, स्क्वायर नंबर है या नहीं है। जो आएगा आंसर एलसीएम के बाद वो नहीं है। तो कौन सा नंबर हमको मल्टीप्लाई करना है, कौन सा डिवाइड करना है, करेक्ट। उसी तरह हमको मल्टीप्लाई, इधर 5 हमारा आता है, क्योंकि ये सारे तो 2, 2, 3, 3 मतलब कपल ऑफ नंबर है, तो 5 आता है। तो 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 900 आता है। 900 हमारा 30 × 30, तो 30 अगर 900 का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो 30 को 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 30 ही आएगा ना। ओके, इसका आपको लिखना नहीं है, बस ये नंबर आपको लिखना है, इतना ही आपको आंसर में लिख देना है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 के तरह है, हमको यहाँ पर 8, 15, 20 का पहले एलसीएम निकाल देना है, करेक्ट। पहले निकाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 8, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे। 8, 15, 20। ओके, तो पहले 2 पे लेना है, 2, 4 जा 15 नहीं जाएगा, 2, 10 जा। अगेन उसको ले लेंगे 2 पे, 2, 2 जा 15, 2, 5 जा। अगेन 2 पे जाएगा, 1, 15, 5। नेक्स्ट 3 पे जाएगा, 2 के बाद 3 आपको लेना है, चेक करना है जा रहा है कि नहीं। अगर एक नंबर जा भी रहा है तो आपको 3 ही लेना है, 2 के बाद नंबर स्मॉलेस्ट नंबर 3 ही आता है, ये उसका रूल है। 1, 3, 5 जा और ये 5 रह जाएगा, उसके बाद 5 लेंगे, 1, 1, 1 मतलब आपको लास्ट तक ना 1, 1 करके लाना है। अभी हमको क्या लिखना है, एलसीएम हमारा कितना आता है, 2, 2, 2, 3, 5। ओके, तो आया कितना हमारा, 120 आ गया, करेक्ट। पर यहाँ पर ये बस खाली कपल ऑफ नंबर है, तो उस ये जो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये तो डिविजिबल हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, पर हम उसके साथ एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ, करेक्ट। उसके बाद जाके वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, सभी को पता चल गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, 120 120 × 2 × 3 × 5
मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कितना, थर्टी सिक्स हंड्रेड फाइनल। तो 3600 का हम अगर स्क्वायर रूट लेंगे आएगा 60 into 60, जो कि हमको लिखना नहीं है क्योंकि 3600 कौन सा वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछा गया है ना, तो उतना तक हमको लिखना है, पर आपको डाउट रहेगा ना, तो 3600 हमारा 6 into 6 36 और 00 ऐसे करके 60 60 नंबर आता है, 60 into 60 को स्क्वायर करेंगे तो 3600 आता है, तो 3600 हमारा एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके इसी तरह आपको आंसर देना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।